नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो गुरुद्वारा बस्ती के रहने वाले युवक का अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, पुलिस जांच में जुटी। टाटा रांची मुख्य मार्ग पर देर रात दो वाहनों की टक्कर से लगी आग, एक की मौत। साक्षी स्थित आई हॉस्पिटल में चोरी की नियत से घुसे चोर को गार्ड ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। और टाटा समूह के संस्थापक सर दोराबजी टाटा का 164वां जयंती जमशेदपुर में मनाया गया। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर मांगो गुरुद्वारा बस्ती का रहने वाला पवन कुमार यादव नामक युवक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। उधर इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत व्याप्त है। बताया जा रहा है कि पवन नदी किनारे अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तभी पांच नकाबपोश अपराधी मोटरसाइकिल से पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इधर घायल अवस्था में पवन को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधर इस घटना के बाद मानगो की जनता डरी सहमी है। फिलहाल पुलिस अपराधियों के धर पकड़ के लिए छापेमारी तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने सिर और पीठ में गोली मारी है। हमको ये जानकारी है कि वो डेली अपने घर से गाय दूध दुहाने के बाद वो नदी किनारे एक जानवर को बांधने के लिए जाता था अक्सर। क्या नाम था उसका? उसका नाम पवन यादव। कहाँ का रहने वाला है? गुरुद्वारा रोड शिव मंदिर लाइन। घटना कहाँ पे घटा? नदी किनारे शिव मंदिर के नीचे भैंसी घाट। उसके बाद हम लोग हड़बड़ा के लेके आए हैं इमरजेंसी से, ठीक है, बाइक से लेके गए एमजीएम, वहाँ से एम्बुलेंस लिए, फिर हम यहाँ पे लेके आए। कहाँ पे गोली लगी उनकी? उनके सर के पीछे लगी। कितनी गोली लगी है? एक गोली अभी हमारे हिसाब से हमने देखा तो एक गोली लगी हुई है। क्या लग रहा है, घटना कौन किया होगा या क्या कुछ कारण? इसके बारे में हमको कुछ जानकारी, हमको जानकारी नहीं है सर। मुझे ये जानकारी है कि मेरे पड़ोसी है। उम्र कितना है इसका? 30 साल। उम्र 30 साल। शादी हो चुका है क्या इसका? नहीं, 30 प्लस। शादी हो चुका है? नहीं, शादी नहीं हुई है। NH 33 रांची टाटा मुख्य मार्ग भादुडी के समीप रात करीब 2 बजे दो वाहनों की टक्कर से लगी आग, एक की मौत, एक गंभीर स्थिति में MGM में इलाजरत। सरायकेला खरसावा जिले के चांडिल थाना अंतर्गत टाटा रांची NH 33 भादुडी में दो वाहन आपस में टकरा गई। दोनों की टक्कर से दोनों ही वाहन में आग लग गई। वहीं बताया जा रहा है कि टेलर तेज रफ्तार से रांची की ओर से जमशेदपुर जा रही थी, वहीं भादुडी के समीप सड़क की दूसरी ओर जमशेदपुर से चेचिस रांची की ओर जा रही थी। शायद जाने के क्रम में टायर में हवा लेने के उद्देश्य से अपने विपरीत सड़क पर जाने से तेज रफ्तार से आ रही टेलर ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे चेचिस में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से टेलर में भी आग लग गई। घटना 2 बजे रात को होने के कारण बचाव नहीं किया जा सका, जिससे चेचिस के चालक की घटनास्थल पर ही जलकर मौत हो गई। वहीं टेलर चालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं चांडिल थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर रात को अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचा, तब तक एक चालक की मौत हो गई थी। दूसरे टेलर चालक जलने से हालत गंभीर थी, जिसको बेहतर इलाज के लिए MGM भेजा गया। हालांकि दोनों चालक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। फिर जहां पे अभी घटना घटी है, उससे 20-25 फीट पहले वहां पे मतलब टंकी फटा, और वहीं पे उसी समय जब अगला चक्का, जब उसका चेसिस वाला चक्का जब इधर से जब दाहिना काटे, जब टेलर जब दहना लिया तो गाड़ी फंसल था, तब तक ले उसका अगला पोजीशन पहुंच गया डिवाइडर पे, और डिवाइडर पर गया तो गाड़ी जब उछका तो उसका ड्राइवर भी नीचे गिर गया चेचिस से, और उसी समय टंकी फटा उसका चेचिस का, और पूरा मतलब लगा कि जैसे आग का गुब्बार एकदम पूरा, कुछ नहीं दिखाई दिया, खाली आग ही आग आग नजर आ रहा। और उस परिस्थिति में चेचिस चालक का क्या हो, जलकर राख हो गया पैर? लेकिन साइड में उधर होकर के घुलट करके उधर चले गए थे साइड में, और वहाँ पानी चिल्ला रहे थे, लेकिन बहुत से आदमी जमा थे उस समय, लेकिन कोई पानी नहीं दिया कि भाई डॉक्टर मान लीजिए कहे कि उस समय चला हुआ है, हो सकता है पानी क्यों दे दिए, उसके चलते कुछ हो जाए, कोई आदमी पानी जिम्मेदारी तो पूरे रोड डिपार्टमेंट जो है NHI उन्हीं का है, क्या कि हर जगह बैरिकेडिंग करके छोड़ दिया है। शहर बेड़ा में बोली एक्सीडेंट हो रहा है, हर दिन हो रहा है। चिलगू में तो डेली 2-3 को दुर्घटना हो रहा है, 1 महीना 1.5 महीना हो गया,
पुल क्षतिग्रस्त है, उसको रिपेयरिंग नहीं किया गया है। डेली चिल्बू में कोई बाइक वाला कोई कार वाला, पिछले दिन एक कार दुर्घटना, न्यू कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, उससे कुछ दिन पहले सहरबेड़ा में एक कार जल गई। ये पूरा NHAI का ही दोष है जो रोड को इतना दिन बिना बनाए रख दिया गया, अधूरा करके छोड़ दिया गया। जरा जहाँ तहाँ गड्ढा है, टोल टैक्स भी लिया जा रहा है, टोल टैक्स बिना रोड पूरा किए टोल टैक्स लिया जा रहा है, जबकि 2 महीना से ऊपर हो गया, अभी पुल क्षतिग्रस्त हो गया, अभी तक नहीं बनाया गया, रिपेयर भी नहीं किया गया है। है कि दोनों गाड़ी जा रहा था आपस में, जमशेदपुर तरफ जा रहा था, आपस में ओवरटेकिंग के चलते टकरा गया, अनबैलेंस होके उस क्रम में शायद टंकी फट गया होगा, तो आग लग गया गाड़ी में, जहाँ तक मैं सुना हूँ। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत आई हॉस्पिटल में चोरी की नियत से घुसे चोर को अस्पताल के गार्ड ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर करीब 12 बजे एक युवक अस्पताल में घुसा और कुछ सामान टपाने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मी की नजर युवक पर पड़ गई, जिसे धर दबोचा। बताया कि बीती रात भी 4 युवक अस्पताल में चोरी की नियत से घुसे थे, मगर वे पकड़े नहीं जा सके। सुरक्षा गार्ड ने बताया कि अस्पताल का दीवार फांदकर युवक अस्पताल परिसर में दाखिल हुए थे। हालांकि पकड़ में आए युवक ने चोरी की बात से इनकार किया है। उसने बताया कि वह पानी पीने अस्पताल घुसा था, इसी दौरान सुरक्षाकर्मी की नजर उस पर पड़ गई। वैसे उसका यह दावा इसलिए भी शक पैदा करता है कि पानी पीने कोई दीवार फांद कर क्यों घुसेगा। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और अपने साथ थाने ले गई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। और जमशेदपुर में टाटा समूह के संस्थापक सर दोराबजी टाटा के 164वें जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां टाटा स्टील के VP चाणक्य चौधरी, यूनियन के सदस्य एवं खेल विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बिष्टुपुर स्थित सर दोराबजी पार्क में उद्योग जगत के महानायक सर दोराबजी टाटा की 164वां जयंती के अवसर पर शहर के अलावा टाटा स्टील के सभी अधिकारी मौजूद थे, जहां सभी ने सर दोराबजी टाटा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस अवसर पर टाटा स्टील के VP चाणक्य चौधरी ने कहा कि खेल से सर दोराबजी टाटा को गहरा लगाव था, जहां उन्होंने खिलाड़ियों के लिए अपने घर का हीरा तक गिरवी रख दिया था। ऐसे महान नायक को हम आज याद कर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। आज एक बर्थ एनिवर्सरी है उनका, 164th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर दोराबजी टाटा, टाटा स्टील के पहले चेयरमैन। हमारी कंपनी जब 1907 में बनी तो यही सबसे पहले चेयरमैन थे, और उनके योगदान बहुत हैं इस टाटा स्टील को यहाँ तक पहुँचाने में। आई थिंक जो नींव उन्होंने रखी, फाउंडेशन, जैसे हम जानते हैं कि एक बिल्डिंग उतनी स्ट्रांग होती है जितनी उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, तो आई थिंक सर दोराबजी टाटा ने ऐसा बहुत से काम किए हैं जिससे कि ये कंपनी आज 116-117 साल कंप्लीट करने के बाद भी वर्ल्ड में पहले 10 नंबर में आती है। मैं प्रोडक्शन कैपेसिटी की नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे हमारे की रिजल्ट एरियाज़ हैं जिसमें हम लोग बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ दोराबजी टाटा, सर दोराबजी टाटा के लाइफ से हमको बहुत सी ऐसी आई थिंक इंस्पिरेशंस मिलती हैं, जो सबको, चाहे वो बच्चे हों या हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग हैं या हम लोग ही हैं जो काम कर रहे हैं, उन सबको इंस्पायर करती है। जैसे कि डिटर्मिनेशन, एक जमशेद जी टाटा, उनके फादर की एक विजन था, चिट्ठियाँ लिखी उन्होंने, लेकिन दोराबजी टाटा सर ने उस सबको इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट अगर आप वो चिट्ठियाँ पढ़ें और जैसे इम्प्लीमेंट हुआ तो एग्जैक्टली सेम तरीके से हुआ, तो ज़्यादा ही हुआ। तो इतना डिटर्मिनेशन था कि करना है इसको, तो परसुएसिव ने जो करने की भावना है वो बहुत अच्छी रही। दूसरा उनका था कि उनका पैशन बहुत था, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो। ये देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा साक्षी रामलीला मैदान से साक्षी गोल चक्कर तक देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का शव यात्रा निकाला गया। शव यात्रा निकाल कर साक्षी गोल चक्कर पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी मुर्दा प्यार, जो सरकार निकम्मी है, तख्त बदल लो, ताज बदल लो। शव यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के सचिव राजा सिंह राजपूत कर रहे थे। शव यात्रा के माध्यम से उन्होंने देश की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पार्टी के जिला के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद थे। पार्टी पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि पूरे देश में महिला उत्पीड़न बढ़ गया है, केंद्र सरकार द्वारा रोजगार का वादा किया गया था, आज युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, महंगाई चरम पर है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क निर्माण में
करोड़ों का घोटाला केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, जिसका विरोध जताते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा रामलीला मैदान से साक्षी गोल चक्कर तक देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का शव यात्रा निकालकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। जो भी उन्होंने वादा देश के साथ किया था उन्होंने पूरा नहीं किया, उन्होंने छलने का काम किया है। बताइए कैसी दुर्भाग्य की बात है कि जो रोड 28 करोड़ में बनती थी इन्होंने उसे 250 करोड़ में बनाने का काम किया है। जो हम लोग 2-4-5 रुपए किलो टमाटर खरीदते थे आज स्थिति ये हो गई है कि गरीब की थाली से टमाटर चल गया है, 200 रुपया किलो हम टमाटर खरीद रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2000 नौकरी भी इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि मोदी सरकार ने देश के साथ ये वादा किया था कि हम जब भी ये सरकार में आएंगे देश से भ्रष्टाचार महंगाई ये सब को दूर करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने बोले हुए वादे को पूरा नहीं किया। देश बहुत गुस्से में है और देश नाराज है और बहुत जल्द इसे 2024 में देश के लोग उखाड़कर फेंकने का काम करेंगे। आज ये देश में जो तानाशाह सरकार चल रही है हम सभी कांग्रेसजन उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी सदन से लेकर सड़क तक इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सभी कांग्रेसियों का ये फर्ज है कि देश की जनता आज मुसीबत में है, हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और नरेंद्र मोदी जी के इस तानाशाह रवैये को हम कांग्रेसजन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब जब ये देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेंगे, जब जब ये देश की जनता को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, हम सभी कांग्रेसजन उनके सिपाही बनके, देश के रक्षक बनके, देश के जनताओं के सेवक बनके उनकी रक्षा करने का काम करेंगे और तानाशाह सरकार के खिलाफ करेंगे। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कार्यालय कक्ष में आमजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना, समाधान को लेकर किया आश्वासन। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री द्वारा कार्यालय कक्ष में आम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना गया। दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा, आवासीय भवन के बेसमेंट में व्यावसायिक उपयोग, जमीन अधिग्रहण के पश्चात लंबित मुआवजा भुगतान, जिस पर भू अर्जन कार्यालय से अद्यतन रिपोर्ट मांगा गया। एक फरियादी ने महुआ दारू बेचने वाले की शिकायत की, जिसके कारण आए दिन मारपीट की स्थिति, महिलाओं से अभद्रता की जाती है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा इस पर तत्काल सहायक आयुक्त उत्पाद को उक्त स्थान पर नियमित छापेमारी कर दारू बिक्री के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया गया। जमीन पर दखल दिलाने, भाई बहनों में संपत्ति का बंटवारा होने के बावजूद विवाद खड़ा करने सहित अन्य जन समस्याओं को लेकर आए फरियादियों ने उपायुक्त के समक्ष अपनी बातें रखी। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। मौके पर संबंधित विभागीय पदाधिकारी को बुलाकर उन सभी समस्याओं का समाधान किया गया। कई अन्य आवेदन जिनमें जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता थी, संबंधित विभागीय पदाधिकारी को अग्रसारित कर समयबद्ध रूप से यथोचित कार्रवाई करते हुए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कार्यालय को अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। कई सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी मुलाकात कर समाज हित के में उनकी संस्था द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई, जिस पर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा उनसे समाज हित में परोपकार के कार्य को आगे बढ़ाने की शुभकामनाएं दी। रविवार को मसूरी स्थित सिविल सर्विस एकेडमी से भारतीय प्रशासनिक सेवा के 14 प्रशिक्षु झारखंड की कला संस्कृति और यहां के जनजीवन की विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने हेतु जमशेदपुर पहुंचे। जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय सभागार में उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्हें तमाम सरकारी विभागों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई। वहीं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूर्व जिले की भी विस्तृत जानकारी एवं विभागों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की भी जानकारी उन्हें उपलब्ध करवाई गई। बता दें कि अगले 7 दिनों तक सभी 14 प्रशिक्षु जिले भर के तमाम इलाकों में घूम घूम कर राज्य की संस्कृति को समझने का प्रयास करेंगे। चाईबासा विशेष प्रमंडल चाईबासा के पीसीसी सड़क की योजना में टेंडर डालने को लेकर ठेकेदारों के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला। विशेष प्रमंडल चाईबासा द्वारा सोनुआ, गोयलकेरा और गुदड़ी में पीसीसी सड़क के लिए निकाले गए निविदा में निविदा डालने को लेकर सदर अनुमंडल कार्यालय से टेंडर डालने के लिए बनाया गया जिला नियंत्रण कक्ष में ठेकेदारों के दो पक्षों में टेंडर डालने को लेकर जमकर हंगामा हुआ और हंगामा हल्ला गुल्ला की आवाज़ सुनकर नज़दीक ही अपने कार्यालय में बैठे SDO भी आए और लोगों को शांत कराए। वक्त चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा, अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया। आप टेंशन मत लीजिए,
IIFL Finance से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL Finance से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL Finance करता है सीधी बात। केयर फ्री बट केयर से भरपूर है। फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनर एक्टिवली केयर्स फॉर योर हेयर एंड गिव्स यू सैलो लाइक स्ट्रेट स्मूथ एंड शाइनी हेयर। योर हेयर योर वे। फिलिप्स। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे, साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिश्तीपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 0657-23-20075। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। एमजीएम अस्पताल के पार्किंग में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा, होमगार्ड के जवानों ने चेतावनी देकर पार्किंग को खाली करवाया। एमजीएम अस्पताल के पार्किंग में असामाजिक तत्वों द्वारा ऑटो में बैठकर नशा का सेवन किया जा रहा था। होमगार्ड के जवानों द्वारा ऑटो में बैठे लोगों को पकड़ा गया और उठा बैठी करवाई गई, बाद में चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। हम लोगों को बाहर से एक युवक ने सूचना दिया कि पार्किंग के पास में कुछ एक ऑटो में बैठे हुए हैं और कुछ लोग गांजा बनाकर पी रहे हैं, तो हमें सूचना मिली और हम अपने दल बल के साथ 2-4 लोगों के साथ आए, उन लोगों को पकड़े और उसके बाद उन लोगों से गांजा का चिलम भी छीना गया और माचिस भी था, उठा बैठक कराकर उन लोगों को छोड़ा गया ताकीद कर। ऑटो भी लगा हुआ था? ऑटो भी लगी हुई थी, ऑटो का नंबर भी उसमें इंक्लूड है। हटवाए सर? और ऑटो को हटवा दिया गया। ऑटो को हटवा दिया गया। क्या क्या बरामद हुआ लोगों पास? बरामद हुआ एक माचिस थी और चिलम था, लोग पी रहा था। हाँ, पी रहा था। सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल का कार्य 2 साल से अधूरा है, स्थानीय लोग परेशान। जमशेदपुर और सरायकेला जिला, दोनों जिला को जोड़ने वाले आज पुल दिखा रहा हूँ जिसका 2 साल से काम चल रहा है। ये कोई बाहर का नहीं है, हमारे जमशेदपुर का ही है। जो जमशेदपुर और सरायकेला को जोड़ता है, अधूरा पुल तैयार किया हुआ है। लाखों का संपत्ति यहाँ पानी में बह गया, लेकिन काम सरकार चालू नहीं कर रहा है। कुछ ठेकेदार से हमने बात किया, स्थानीय लोगों से बात किया, तो यहाँ काम ही नहीं चल रहा है। 2 साल से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रहा है, ना नाली है ना रास्ता है। पुल तो अभी तक बना नहीं है, लेकिन यहाँ पर घर बन गया है जो काफ़ी लंबा चौड़ा रास्ता है, लेकिन काम सरकार ना जाने क्यों अधूरा छोड़ रखा है, जो दोनों को जिला को मिलाने में बहुत मुश्किल का सामना पड़ता है। स्कूल बच्चे जाते हैं तो नाला पार कर करके, हो सकता है कि अनहोनी भी हो सकता है। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़, मैं सिटी न्यूज़ से जावेद आलम। सरायकेला स्थित कपाली के गांगुडी में 2 साल से पुल का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। बरसात के वक्त इस रास्ते का हाल और भी बेकार हो जाता है, जिससे लोगों को आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं मामले के संबंध में स्थानीय ने जानकारी दी। कितना दिन पहले चालू हुआ था ये काम? काम तो अभी सोच लीजिए ढलाई होके 2 साल तो हो गया, अभी ढलाई होके 1 साल हो गया, अभी तक उसका काम कम्प्लीट नहीं हुआ। स्थानीय विधायक को बोले तो क्या बोल रहे हैं? विधायक को बोले तो बोले हो रहा काम। क्लियर जवाब नहीं मिलता। कितना घूम के जाना पड़ता आप लोगों को? उधर घूम के जाना पड़ता। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमीम। सहारा गार्डन सिटी दुर्गा पूजा कमेटी आदितपुर द्वारा पूजा पंडाल का हुआ भूमि पूजन।
सरायकेला खरसावा जिला अंतर्गत आदित्यपुर कॉलोनी सहारा गार्डन सिटी दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा पंडाल का भूमि पूजन संपन्न हुआ। सोसाइटी के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पूरे उमंग के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सोसाइटी के अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने बताया कि 2008 से लगातार दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन होता जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस बार भी सोसाइटी के बच्चे बूढ़े महिलाओं ने मिलकर पूजा को सफल बनाने के लिए हर्षोल्लास के साथ मनाने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सोसाइटी के लोगों ने बताया कि पूजा के छठवें दिन से झांकी, जागरण, बच्चों द्वारा प्रस्तुति, डांडिया इत्यादि का आयोजन होता है। सहारा गार्डन सिटी दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्य में अध्यक्ष अभय कुमार सिंह, वाइस प्रेसिडेंट पीएन पांडे और सोसाइटी के लोग मौजूद रहे। बिष्टुपुर स्थित जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में एक दिवसीय पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं TSUISL के 20 साल पूर्ण होने पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर शहर के 1000 स्कूली बच्चे शामिल रहे। अलग अलग थीम पर पेंटिंग बच्चों द्वारा बनाया गया। कार्यक्रम के संबंध में प्रतीक कुमार सिंह ने जानकारी दी। टाटा स्टील UISL की 20th एनिवर्सरी पर आज बच्चों के लिए हमने पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है। अलग अलग थीम्स हैं। हम चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर जनरेशन कैसा देखना चाहते हैं अपने सिटी को, जमशेदपुर को, उसके आधार पर ये कंपटीशन हमने। कितने बच्चे पार्टिसिपेंट किए और क्या उम्र से क्या उम्र तक? 1000 के आसपास स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेट। 1000 स्टूडेंट्स आए हैं और अलग अलग कैटेगरीज में आए हैं ऑल ओवर जमशेदपुर। तो काफ़ी अच्छा है, जैसा आपने देखा बहुत बच्चे आए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट फ्यूचर जनरेशन आए हैं हमें ये बताने कि कैसा देखना चाहते हैं अपने जमशेदपुर। गुड इवनिंग सर। प्रतीक कुमार सिंह। दलमा वन्य आश्रणी के व्यवसायीकरण नीति को लेकर कांदरबेड़ा NH-33 फुटबॉल मैदान में दलमा बचाओ समिति के बैनर तले दलमा क्षेत्र के प्रभावित 84 गांव के जनप्रतिनिधि और सैकड़ों ग्रामीणों ने दलमा सफारी योजना का विरोध में बैठक आयोजित किया और योजना को वापस लेने को लेकर ग्रामीण वन विभाग के विरोध में सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। दलमा वन्य आश्रणी झारखंड के हाथियों का आश्रणी माना जाता है, जहां राज्य ही नहीं देश विदेशों से पर्यटक आते हैं। उनकी सुविधा के लिए वन विभाग ने दलमा सफारी योजना को लेकर आई है, जिसको लेकर विगत 10 अगस्त को टेंडर की प्रक्रिया की गई है। साथ ही प्रवेश द्वार पर प्रवेश निषेध किया गया है। चार पहिया वाहन के शुल्क को भी बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है और कई सख्त कानून लागू किया जा रहा है, जिसे लेकर दलमा से प्रभावित 84 गांव के लोग वन विभाग के सफारी योजना का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दलमा हम आदिवासियों का धरोहर है, धार्मिक और रोजी रोटी का साधन है, जिसका व्यवसायीकरण नहीं होने दिया जाएगा। जिसे लेकर कांदरबेड़ा फुटबॉल मैदान में मुखिया, पंचायत समिति अध्यक्ष सहित 84 गांव के ग्रामीणों ने दलमा सफारी का विरोध करते हुए वन विभाग को दलमा सफारी को वापस लेने की अपील की और चेतावनी दी कि योजना वापस नहीं ली जाती है तो 84 गांव के आदिवासी समुदाय अपने धार्मिक और रोजी रोजगार को लेकर उग्र आंदोलन के लिए सड़क पर उतरेंगे। वहीं वन विभाग ने बताया कि इस योजना से स्थानीय लोगों ने रोजी रोजगार पर किसी प्रकार का असर नहीं होगा। यहाँ के लोग गाइड और चालक के रूप में दलमा में कार्य करेंगे, इससे रोजगार बढ़ेगी। बैठक में हम लोग का यही निर्णय लिया गया है कि दलमा सफारी के नाम से जो योजना बनाया गया है उसमें दलमा इको विकास जोन जो है उनको भी पूर्ण रूप से बोलने का मौका नहीं दिया गया है और उनके आम सहमति के बिना ही यह बनाया जा रहा है और इसका टेंडर जमशेदपुर ऑन व्हील्स को दिया गया है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जो शुल्क पहले लगता था 60 रुपया 70 रुपया 80 रुपया, वो बढ़ के हो जा रहा है 800 रुपया 700 रुपया। यही गलत है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग का मांग है कि जो जमशेदपुर ऑन व्हील्स है वो किस विषय पर उनको दिया गया है और हम लोग दलमा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है उसके विरोध में हम लोग हैं। इसका एक टेंडर निकाला गया था इस महीने में 10 तारीख को, तो अभी टेंडर उसका जो चित्र है वो एको साहब द्वारा सीनियर को भेजा गया है, उसमें ऊपर से जैसा आदेश आएगा उसके हिसाब से होगा। दूसरी बात है, जो गाँव वाला का कहना यह है कि वे प्रभावित होंगे, तो ऐसा इस प्रकार का कुछ नहीं है। हमारे यहाँ दलमा में जितने गांव बसे हुए हैं वे इससे प्रभावित नहीं होंगे। गोलमुल स्थित केरला समाजम स्कूल परिसर में केरला समाजम द्वारा बड़े ही धूमधाम से ओणम का त्यौहार मनाया जा रहा है।
केरला समाजम के अध्यक्ष मुरलीधरन ने बताया कि हम लोग अपनी केरल की परंपरा और संस्कृति का निर्वहन कर रहे हैं। इस समय हमारे यहाँ धान की फसल होती है, हम लोग इस त्यौहार के अवसर पर अपनी परंपरागत धोती पहनते हैं और केले के पत्ते में 22 से 23 प्रकार के भोज्य सामग्री ग्रहण करते हैं। हमारा यह त्यौहार 2 महीने तक चलता है, जिसमें गीत संगीत नृत्य रंगोली प्रतियोगिता आदि शामिल है। हम लोग CSR के तहत यह स्कूल भी चलाते हैं। मुरलीधरन ने बताया कि ओणम का पर्व केरल के असुर राजा महाबली से जुड़ा हुआ है, जिससे प्रभु श्री कृष्ण ने वामन अवतार के रूप में 3 कदम जमीन मांगी थी। पहले कदम से पृथ्वी और दूसरे कदम से आकाश नाप दिए थे और तीसरा पांव वामन अवतार प्रभु श्री कृष्ण ने महाबली के माथे पर रखा और उसे दबाकर पाताल लोक भेज दिया। उस समय महाबली ने यह प्रार्थना की थी कि साल में मुझे एक बार प्रजा से मिलने का अवसर दिया जाए। उन्होंने बताया कि महाबली बहुत ही न्याय प्रिय और दानवीर राजा थे। आज हम लोग सुबह से ही जो लेडीज मेंबर्स लोग का पुक्कलम बनाया, पहले एक तो समाजम एक तो पुक्कलम बनाया था, तो हर साल होता है जो बड़े एक तो है, फिर एक तो पुक्कलम का कंपटीशन चलाता है, वो तो कंपटीशन हो गया था। उसका बाद जैसे जो उसका महाबली एक तो टिपिकल ये है उसका माने ये हम लोग आया महावली को ये किया और पुलिकली तिरुवाद्र कली ये सब हम लोग का केरला में ऐसे पार्ट ऑफ ओणम का होता है, मतलब पुराना जमाने से मैंने से पार्ट ऑफ जमा ये होता है उसका सबका एक तो मैंने इधर भी हम लोग आविष्कार किया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर, और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।